सवात में दहशतगर्दी से जहां इंसान मुतासिर हुए, दरख्तों का भी कत्लेआम हुआ और लाखों परिंदे बेघर हो गए। सवात में दहशतगर्दी के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, इंसान तो इंसान, परिंदे भी मुतासिर हुए, दरख्तों का कत्लेआम हुआ, इस पर बेघर होने वाले परिंदों और जानवरों की कहानी हमें सुनाएंगे सवात से हमारे नुमाइंदे शीरिन ज़ादा। स्वात को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। माजी में यहाँ की आबोहवा किसी जन्नत से कम ना थी। जंगली जानवर और परिंदे यहाँ की बासियों के साथ इस वादी में रहते, लेकिन जंगलों की बेदरेख कटाई और आलूदगी ने इनकी जिंदगी भी खतरे में डाल दी। हमने इस साल मानक्याल को नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है वो भी महफूज करेंगे और उसके साथ जो उसका माहौल है उसको भी उस तरह रखेंगे जिस तरह मतलब कि वो जंगल में या वाइल्ड लाइफ को जो हैबिटेट है, जो उनको जरूरत है उसके मुताबिक हम उसको रखेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ के मशहूर जानवरों और परिंदों में मारखोर, पहाड़ी बेकर, बरपानी चीता, हिरन, काला रीछ, बूरा रीछ, बेकर, मुर्ग जरी, काला तीतर, सीसी और चकोर शामिल है। स्वात शूटिंग और हंटिंग क्लब के सदर अख्तर अयूब कहते हैं कि स्वात में परिंदों की तादाद में कमी हो रही है। 15-20 सालों से स्वात में वाइल्ड लाइफ की तादाद में ज्यादा कमी आई थी, क्योंकि एक तो पेस्टिसाइड्स की वजह से, दूसरा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन की वजह से पहाड़ों में लोगों ने घर बनाए थे, और ये जो पत्थर निकालते हैं, ये जो मार्बल निकालते हैं, इसके लिए डायनामाइट की ब्लास्ट होती है, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ की तादाद में बहुत कमी वाकई हुई थी। महकमे वाइल्ड लाइफ के DFO अब्दुल गफूर स्वात ने कुदरती माहौल को बरकरार रखने और परिंदों और जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए पुरअज़म है। इस पे हम मुख्तलिफ वादियों में हमने वहाँ की जो कस्टोडियन कम्युनिटीज़ है उनके साथ मिलकर इसके बका के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चला रहे हैं, और वहाँ पे हमने कम्युनिटी गेम रिजर्व के नाम से इलाके डिक्लेयर किए हुए हैं। स्वात में बारूद का बेदरेग इस्तेमाल, दरख्तों की कटाई, जा बजा गंदगी के ढेर और दरिया स्वात आलूदा होने से कुदरती माहौल पर बुरे असरात पड़ रहे हैं, जो जंगली हयात की बका के लिए खतरा है। माहौलियाती आलूदगी से इंसानों और जानवरों के अलावा परिंदे भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी मजीद इजाफे से खदशा है कि इन परिंदों के आने वाले नस्लों में मजीद कमी वाकई होगी। शीरिन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, मिंगवरा, स्वात। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले चंद अहम वाकया।